Hey Valgo, this is your biology teacher Ms. Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to discuss, So we were discussing about the chapter number 6 from your NCERT book, science class 10, that is life processes. And in this process, we were discussing about the transportation. There are four type of life processes जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, जिसमें दो हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. एंड ये भी ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स का कंप्लीट हो गया है आफ्टर दिस टॉपिक, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है. उसके बाद हम प्लांट्स का पढ़ेंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट इज द नेम ऑफ द टुडेज टॉपिक, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, अनदर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन योर बॉडी. That is lymphatic system. Lymphatic system क्या है? Another type of circulatory system. It is also a circulatory system of your body. ये भी क्या होता है बच्चों? Circulatory system है. Body में आपके कुछ और भी circulate कर रहा है, वो क्या है? वो हम देखेंगे. ये भी आप पढ़ के आए हैं, 9th में भी पढ़ा था आपने लिम्फ के बारे में, ठीक है. तो ये भी क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में. ब्लड भी क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम में. ये भी आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. बट देयर इज अ यू नो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इन योर बॉडी इज बाय द ब्लड. तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन होना है, या फिर आपका आपका क्या है, मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, मेनली कंपोनेंट्स का, वो किससे किया जा रहा है? ब्लड से. इसका बहुत कम रोल है, बट रोल है, ठीक है, वो देखेंगे हम आज. तो ये भी क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. इनमें भी उस सिस्टम की तरह क्या है, कुछ पार्ट्स हैं. फर्स्टली जैसे वहां ब्लड था, यहां पर क्या होगा बच्चों? लिम्फ. इट इज अ लिक्विड, या फिर कोई भी ऐसा आपका मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो ब्लड की तरह सर्कुलेट किया जा रहा था. यहां पर क्या है? वो लिम्फ है. लिम्फ कहां पर आपके सर्कुलेट होंगे? लिम्फैटिक कैपिलरीज, ठीक. देन लिम्फैटिक वेसल्स एंड देन लिम्फ नोड्स. और इसी को आप लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं. लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है. लिम्फ, लिम्फैटिक कैपिलरीज, लिम्फैटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स, या फिर लिम्फ ग्लैंड्स को ही आपके लिम्फ नोड्स कहते हैं. क्या होता है लिम्फ? देखो, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर साइड में लिखना चाहिए. चलो देख तो लिया आपने, हम लोग पहले लिम्फ देखते हैं. तो फर्स्ट वन वाज लिम्फ. लिम्फ क्या होता है? सपोज दिस इज व्हाट द ब्लड कैपिलरी. ये क्या है आपकी? ब्लड कैपिलरी है. दिस इज ब्लड कैपिलरी, ठीक है. कैपिलरी है ये, मैंने जो बना रखे हैं बच्चों, ये हैं इनके पोर्स. दीज आर पोर्स, ठीक है, पोर्स है यहां पर. साथ में इनके जो आसपास वाला एरिया है, वहां पर क्या होंगे बच्चों? कहां जाती है आपकी जो कैपिलरीज है, वो हर एक सेल तक जाती है. तो आपको क्या मिलेंगे यहां पर? बहुत सारे सेल्स मिलेंगे इनके अराउंड. अब ये क्या है जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या आपका सर्कुलेट कर रहे हैं? ब्लड. ये मैंने जो बना रही हूं, दीज आर ब्लड आरबीसीज, ठीक है. ये क्या है? आरबीसीज.
और हम येलो कलर तो है नहीं, चलो ग्रीन से बना देते हैं। तो हमारा क्या है, जो ये हमने प्लाज्मा ले लिया जिसमें सारे प्रोटीन्स आपकी WBCs ये सब क्या है इस वाले पार्ट में है। दिस इज व्हाट द सर्कुलेटिंग ब्लड, ये क्या कर रहा है सर्कुलेटिंग ब्लड, ब्लड इज सर्कुलेटिंग हियर इन ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस पोर, अब देखो आप पाइप से ना पानी डालते हैं ना, जो भी अपने गार्डन में घर के आके जो भी पेड़ पौधे होते हैं उन पानी डालते हो, पाइप में अगर एक भी पोर हो जाए, छेद हो जाए, होल हो जाए तो पानी उसमें से निकलता है ना, बिकॉज जो आपका वाटर है प्रेशर के साथ आ रहा है, तो ब्लड भी तो एक प्रेशर के साथ आता है। तो यहाँ पर भी पोर्स क्या करेंगे, इन पोर से आपका कुछ पार्ट बाहर निकल जाएगा है ना, बाहर निकल जाएगा और इन सेल्स के अराउंड एक्युमुलेट कर दिया जाएगा। ये ब्लड में से कुछ पार्ट क्या है बाहर बचो आपका निकल गया बिकॉज ऑफ दिस पोर्स, बिकॉज ऑफ दिस पोर्स ये बाहर निकल गई। ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है दिस इज जस्ट, ये सबसे पहले कलर में क्या कलर का होता है, देखो ये जो आपका बाहर लिक्विड निकला है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ, इसको आप कहेंगे लिम्फ। अब ये क्या है ब्लड का ही पार्ट है ना, देखो आरबीसीज नहीं निकली बिकॉज ऑफ दिस साइज, साइज की वजह से आरबीसीज नहीं निकली। क्या क्या निकलता है, प्लाज्मा निकल जाता है, आपके प्रोटीन्स निकल जाते हैं, WBCs निकल जाते हैं, जिसके साथ में इन पोर से ये चीजें निकल जाती है बाहर, प्लाज्मा का पार्ट निकल जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आप इसको बोल सकते हैं ये प्लाज्मा लाइक है, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस है, लाइट येलो कलर का है, ठीक है। इनके पास क्या क्या है बच्चों, अगर हम थोड़ा सा देखें तो प्लाज्मा है, लार्ज प्रोटीन्स है, फैट्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे फैट्स यहां से नहीं निकल रहे हैं, मैं बताऊंगी कहां से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होते हैं आपके WBCs में से जो लिम्फोसाइट है, टाइप ऑफ WBC जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके किसके, लिम्फ के, ठीक है। तो समझ में आया आपको लिम्फ बन कहां से रहा है, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड में से प्लाज्मा का कुछ पार्ट कुछ चीजों को लेके बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ दीज पोर्स, ठीक है। वो पाइप वाला एग्जांपल याद रखना, पानी डालते हैं तो पोर हो जाए तो बाहर पानी क्या हो जाता है आपका प्रेशर के साथ बाहर निकल जाता है और एक्युमुलेट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, कहां पर आपके जो सेल्स हैं उनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है दैट इज लिम्फ, उस लिक्विड को आप क्या बोलेंगे, ब्लड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। ये कलर, इसका कलर येलो रेड कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज नहीं निकली है इसलिए इनका कलर रेड नहीं है, तो इसलिए इनको ब्लड नहीं कहेंगे, इसको नाम दिया गया है दूसरा एक लिम्फ, ठीक है। यहां तक समझ में आया लिम्फ, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी क्या, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज क्या है देखो, इसको रब कर दो, यहीं पे देख लेते हैं, कहीं पर पानी अच्छा है लेकिन कहीं पर जमा है बहुत देर तक एक्युमुलेट रहेगा, तो उस जगह को क्या करेगा, वो सड़ा देगा है ना, गंदा कर देगा, जो भी है वो नुकसानदायक है, वो हार्मफुल रहेगा उस सराउंडिंग में जहां पर भी वो एक्युमुलेटेड है। तो ये जो आपका प्लाज्मा भी है ये इसका एक्युमुलेशन जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे वो इस टिश्यू के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, तो आपको इसको हटाना होगा यहाँ से है ना, हटाना होगा। क्यों हटाना होगा, क्योंकि हमें उस टिश्यू को बचाना है, वरना एक्युमुलेशन उसका क्या कर देगा, टिश्यू को खराब कर देगा। तो यहाँ पर एक तरीके की एक और क्या आती है बच्चों, कैपिलरीज आती है, ठीक है, कैपिलरीज बनाई है। अब देखो फर्क देखो आप, जो ब्लड कैपिलरी है वो क्या है, उसका एंड जो है वो क्लोज्ड नहीं है, यहाँ पर क्या होता है ब्लड कैपिलरीज का नो ओपन एंड होता है, ओपन रहती है, नो क्लोज एंड ओपन एंड होता है इनके, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं पर जाकर उनका क्या है एंड नहीं हो रहा है। यहां पर जो लिम्फ, ये जो मैंने आपकी बनाई है बच्चों, दिस इज लिम्फ वेसल, लिम्फ सॉरी लिम्फ कैपिलरी, ये
सिर्फ कैपिलरी है, इट हैज क्लोज एंड, यहाँ पे इनकी एंड्स जो है वो क्लोज्ड हैं, एंड्स क्या है क्लोज्ड है, क्लोज एंड्स है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पर एंटर करता है, जहां पर भी इस तरीके की कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज है, जहां से क्या हो रहा है आपका ये जो लिम्फ बन रहा है उसी पे उसी जगह पर आपके लिम्फ कैपिलरीज एंटर करती है। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि इसका एक्युमुलेशन है, इसको ये क्या करेंगे अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है, सारा जो लिम्फ था वो इन ब्लड के अंदर आ जाएंगे और यहां से क्या कर जाएगा आपके साफ कर देंगे सारे लिम्फ को, कौन आपकी ये लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लिम्फ, ये क्या है बच्चों लिम्फ है, ठीक है। तो क्लियर कर रहे हैं यहां से लिम्फ टिश्यू से, क्लियर के जो लिम्फ का क्लियरेंस है वो कौन कर रहे हैं आपका लिम्फ कैपिलरी। अब देखो अगर ये जो यहाँ पर ले तो लिया उन्होंने कैपिलरी में, यहाँ आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो लो हो गया, क्योंकि लिक्विड पार्ट तो चला गया, ब्लड जो है बहुत स्लोली मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड पार्ट नहीं है ना, सेल्स सेल ज्यादा रह गई है तो वो बहुत, ये भी ठीक नहीं है, है ना, इसको वापस रिटर्न भी करना होगा इसको ब्लड को, ताकि ये जो ब्लड की आपकी क्या कहते हैं उसको आयंस रहे उसमें बरकरार रहे, जो भी चीजें लॉस्ट करी है प्लाज्मा जो है उसको रिगेन कर सके, रिटेन कर सके, तो इसको वापस चाहिए ये चीज, है ना। तो ये कैसे वापस करेगा, कैसे वापस करेगा, ये जो कैपिलरीज हैं, जैसे आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है वो फर्दर जाके किस में जुड़ती है आपकी वेन्यूवल में जुड़ रही है, फिर वेन्स में जुड़ती है, वेना कावा में जुड़ती है, जैसे हार्ट में दोबारा जाती है, वैसे ही इनमें भी क्या होती है वेसल्स होती है। कैसे वेसल्स होती है, यहाँ पर रब करना पड़ेगा क्या, चलो यही देख लेते हैं। जैसे ये जो वेसल्स है बच्चों वो हम कैसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, समझ में आ रहा है, ये सारे क्या है आपकी लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज के कैपिलरीज क्यों आपके इतने क्या होता है नैरोइंग क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको हर सेल तक पहुंचना है, ठीक है। ये सेल्स हो गई, दीज आर बॉडी सेल्स एंड दीज आर लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज है वो एक वाइडेड ट्यूब में जाके कंटिन्यू कर रही है, व्हाट इज दिस वाइडेड ट्यूब कॉल्ड एज, दिस इज लिम्फ वेसल, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों लिम्फ वेसल, ठीक है। तो यहां पर आपको लिम्फ वेसल भी समझ में आ गया, लिम्फ वेसल, ठीक है। तो यहां से छोटी छोटी ट्यूब जाएंगे, वो सब एक कंबाइन करेंगे एक ट्यूब में, अलग अलग जगह से, अलग अलग टिश्यू से, ठीक है, बहुत सारी लिम्फ वेसल्स निकल रही हैं। ये फाइनली जाकर किसमें जुड़ती हैं, किसमें जुड़ेंगी बच्चों, ये फाइनली जाके आपकी जुड़ेंगी वेन्स में, ठीक है, मेन वेन में जाके जुड़ जाएंगी ये। क्यों जुड़ेंगी वेन्स में, क्यों नहीं जुड़ेंगी आर्टरीज में, देखो एक तो इन्हें जाना सर्कुलेशन में वापस है, ठीक है, और ये वन वे सर्कुलेशन है आपका। वन वे सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो सर्कुलेशन है वो वन वे है, वन वे सर्कुलेशन है, ये बॉडी से बॉडी टिश्यू से कहां जाएगा आपके हार्ट तक, वन वे सर्कुलेशन है ये, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह नहीं, डबल सर्कुलेशन है, वन वे सर्कुलेशन है बॉडी टू हार्ट, ठीक है। अब हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट मतलब कि आपके सर्कुलेशन में जाना, आप इसको लिख सकते हैं सर्कुलेशन में जाना, फिर वो अल्टीमेटली हार्ट में जाएगा, क्या है ब्लड सर्कुलेशन में जाना, ब्लड, और जो कि अल्टीमेटली कहां जाएगा हार्ट में, ठीक है। तो आपके वेन्स में इसलिए जुड़ती है बच्चों, इस तरह से लोग एक का क्या है ना, बहुत सारे लोग भागते हुए जा रहे हैं, ठीक है, एक रोड से, तो आपका उसमें एंटर करना है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से सारे लोग निकल रहे हैं, अब वहीं पर लोग चल रहे हैं आराम से, तो आप जाके उसमें मिल जाओगे और आराम से क्या करने लगोगे, उस रोड पे चलने लगोगे, ये शायद समझ में आ रहा हो। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, आपके जो ये मटेरियल है लिम्फ है आपका, अगर बहुत सारा प्रेशर के साथ, आर्टरीज में क्या होता है ब्लड बहुत प्रेशर के साथ मूव कर रहा है, तो आप उसमें क्या है दूसरी चीज क्या करेंगे, उसको
पोर करने में उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बस्टिंग भी हो सकती है ना। उस चीज को इग्नोर करने के लिए क्या किया जाता है, आपके लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ है वो आपके वेन से जाके कनेक्टेड होती है। वेन में क्या है, प्रेशर कम है, ठीक है, तो इसलिए आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां पर वापस कर दिया जाएगा सर्कुलेशन को। यहाँ पर इन वेन्स के थ्रू क्या कर दिया जा रहा है, ये जो आपका मटेरियल है जो ब्लड ने लॉस्ट किया था इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द सेल्स, वो रिटर्न कर दिया गया किन किन के थ्रू, ब्लड लिम्फ वेसल्स के थ्रू, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हो गए। उसके बाद आते हैं लिम्फ नोड्स। ऐसे क्या है ना, जिस तरह से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की छोटी छोटी ट्यूब्स पूरी बॉडी में आपकी फैली है, वैसे आपकी काफी जगह पर आपका क्या दिखेगा, आपको देखने को लिम्फेटिक सिस्टम, उसकी भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में क्या है। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंटरवल्स पे क्या है ना, छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, लिम्फ में छोटे छोटे से बॉल्स आपके क्या कहेंगे, नोड्स टाइप कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, और इन्हीं को आप क्या कहते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, इनके पास होता है लिम्फोसाइट, इनके पास क्या स्टोर है, इनके पास क्या सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज में कौन सी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है, मतलब कि आपको लिम्फ नोड ये जो सिस्टम है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, इट हैज अ ग्रेट रोल इन इम्यूनिटी, जितने एंटीबॉडीज है वो स्टोर कर ली जाती है कहां पर, लिम्फ नोड्स में। ये टॉन्सिल्स है, ये भी है क्या है, लिम्फ नोड का एग्जाम्पल है, ठीक है, लिम्फ नोड का एग्जाम्पल है आपका कौन, टॉन्सिल्स, हो जाते हैं ना, फूल जाते हैं बच्चे छोटे छोटे होते हैं, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसी तरह के नोड्स लाइक स्ट्रक्चर और जगह पे भी है आपके, ठीक है, जिनमें आपके डब्ल्यूबीसी स्टोर है, एंटीबॉडीज वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ग्रेट रोल इन दी इम्यूनिटी। तो ये क्लियर हो गया आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम इधर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनकी फंक्शंस की बात कर लेते हैं, हल्के फुल्के फंक्शन तो आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आपको थोड़ा सा वो जो मैंने फैट्स का बताया था वो आपको फंक्शन में ही बताती हूँ कि कहाँ पे फैट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। सो लेट मी रब दिस और फंक्शन देखते हैं, उसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट। So, what are the functions of, या फिर इनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है, इस किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। तो पहला तो बच्चों क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू में हेल्प कर रहे हैं, कैसे, कैसे ये न्यूट्रिशन को ना प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर है इस तरह से, विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाइज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके, ये हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो आपके इसमें क्या होता है, आपने देखा कि इसमें क्या थी ना, ब्लड की ऐसे क्या आई थी, क्या थी, ब्लड की ऐसे ऐसे करके था, ठीक है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज आ रही थी क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही थी, ये तो हो रही थी। इसके साथ साथ में आपने गौर किया था, इसके बीच में से ऐसे करके लेयर बनी थी, या ऐसे करके कुछ वेसल्स ये कुछ ट्यूब सी आपकी ड्रॉ हो रखी थी, वो क्या थी, दैट इज लैपी, सही नहीं दिख रहा, लैक्टिल, ये लैक्टिल है क्या, ये लिम्फ कैपिलरी है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ क्यों प्रेजेंट है, जो ब्लड वेसल्स में जो फैट है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, यहाँ नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, या ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं एंटर कर पाते हैं, और फैट्स तो हमको चाहिए ना, तो ये क्या करते हैं, आपके लैक्टिल इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फाइनली आपने वो देखा था कैसे आपके सर्कुलेशन में दोबारा पहुंच जाता है। तो यहां पर क्या है, या फिर फैट्स और लार्ज प्रोटीन्स, इनका क्या है, आपका एब्जॉर्प्शन करती है और इनको सर्कुलेशन में क्या करती है, रिटर्न करती है। सो यहां पर न्यूट्रिटिव वैल्यू का काम आ गया, ठीक है। लैक्टिल आप याद रखेंगे, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये क्या है, विलाय, स्मॉल इंटेस्टाइन,
इन स्मॉल इंटेस्टाइन में से विलाइज प्रेजेंट होता है उसमें आपको मिलती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं एंड रिटर्न दैट, रिटर्न क्या, इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट दिस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये समझ में आई बात आपको। दूसरा क्या कर रहे हैं ये बच्चों, क्लियर लिम्फ, लिम्फ को क्लियर, लिम्फ, लिम्फ को क्लियर कर रहे हैं, कहां से लिम्फ को क्लियर कर रहे हैं, फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द सेल्स, फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द सेल्स, इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो है टिश्यूज में सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे इनका एक्यूमुलेशन हो रहा था, वहां से इनको क्लियर कौन कर रही है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम कर रही है थ्रू द लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट रोल है ये क्या कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, लिम्फ नोड्स। तो ये हो गए इनके फंक्शंस, और लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा कोई टिपिकल नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था समझने में, आई होप समझ में आ गया होगा। और कोई भी ऐसे डाउट्स होंगे सो विल डिस्कस ऑल दोज डाउट्स इन अवर डाउट क्लास, ठीक है, हम एक जूम क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। सो यहाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है किसमें, एनिमल्स में, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पढ़ते रहिए।